अल्लाह से हम लोग दुबई के लिए निकले हुए हैं और नमाज़ भी हम लोगों ने माशाल्लाह से अदा कर ली है। और ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा रोड है, यहाँ पे मस्जिद है और ये मेविश रोड के बैक दादा के घर की बैक साइड है। यहाँ पे सारा ही जंगल जंगल बना हुआ है। देखिए आगे जो भाई हैं घोड़े पर आ रहे हैं, अपने सवारी में बैठे हुए हैं। ये देखिए इतने मज़े से आ रहे हैं आराम से। और इस साइड पे इस विलेज में जो है यहाँ पर सारा जो है आलू ही आलू लगेगा। तोड़ तक देख सकते हैं हल लगे हुए हैं। लिंका बेटा साइड पर हो, ये देखिए इस साइड भी इस जगह पे भी खेती बाड़ी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए घोड़ा किस तरह आराम से आ रहा है। चले प्यारे बहन भाई को दिखा के आगे का जो व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। ये देखिए कितने आराम से घोड़े। वैसे हम लोग वॉक के लिए निकले थे, सुबह नमाज़ पढ़ लिया तो माशाल्लाह से अब यहाँ पे मैंने दूध लेने के लिए जाना था तो बेटी को बोला कि आप घर चले जाओ, तो उसका टाइम हो रहा है मदरसे का तो वो बेटी जा रही है, छोटी बेटी मेरे साथ हैं। और ये हमारी घर की बैक साइड है और माशाल्लाह से इधर देखें सारी खेती बाड़ी हो रही है। यहाँ पर पहले गन्ने लगते थे यहाँ पर, अब यहाँ पर पालक वगैरह यहाँ पर लगाई हुई है, इस साइड पर भी कुछ लगाया हुआ है। हम देखें क्या लगता है क्या नहीं, तो इंशाल्लाह जो आगे का जो व्लॉग होगा वो प्यारे बहन भाई के साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। सूरज भी काफ़ी ग्रुप हो चुका है, चढ़ चुका है सूरज। आगे का जो व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह प्यारे बहन भाई के साथ शेयर। सुबह सुबह गई थी वॉक करने, वॉक करके आ गई हैं तो यहाँ पे जी अम्मी जान शौकत भाई मंजी वगैरह बुनने लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता सर्दियाँ आ रही हैं ना तो गर्मी में तो मंजी टूट जाती थी, अब ये है सर्दियाँ आ रही ना मंजी अब सारे दिन अंदर रखी रहेगी, अब टूटने की भी नहीं। ऐसे है ना शौकत भाई, क्योंकि गर्मी में आपको पता बच्चे कभी इधर लग जाते हैं कभी उधर लग जाते हैं और गर्मी हाँ जी तोड़ देते हैं। फिर आपको पता है प्लास्टिक है ना ये गर्मी से ना पिंग वो हो जाती है, टूट जाती है, क्रैक हो जाता है। अच्छा ये गर्मी थोड़ी पड़ी है दफ़ा, इतनी गर्मी पड़ी है ना बस अल्लाह रहम करे। हाँ जी बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी भी इस तरह ही आएंगी ना। सही है, चलो सर्दियाँ बर्दाश्त कर लेंगे, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती हैं। जो यानी कि बीमार होता है हाँ जी गर्म चीज़ें खानी पड़ेंगी। हाँ जी हाँ जी, जो बीमार होता है ना उसके लिए ज़्यादा सर्दी महसूस होती है, जो माशाल्लाह सही होता है उसके लिए सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं होती। और यहाँ पे जी आदि काफ़ी सारी मंजी बुन चुकी है, अभी थोड़ी सी रह रही है, अभी हो जाएगी चूँकि छोटी मंजी है ना जल्दी हो जाएगी। अभी तो वो दूसरी मंजी भी टूट रही है आपकी भाई है ना, वो मम्मी जाने मंजी दो तीन टूटी पड़ी हैं सर, ये एक वो सामने वो टूटी पड़ी है। इस तरह ना बस ये ना असल में भाईजान जो है ना ये लोहे वाली होती है ना इनके ना ये वाला जोड़ खोल जाते हैं। मेरी भी इस तरह मंजी के ना दो तीन इस तरह जोड़ वगैरह खुल गया, दो तीन मंजी ऐसी टूटियाँ पड़ी हैं। तुम अपना खींच के कर दी मेरा इधर से दे, थोड़ा खींच के रखो, नहीं बल्कि हो जाएगा बाद मुकम्मल नहीं ना। अच्छा सही, चलो ठीक है देख के अपना वो हिसाब किताब जिस तरह होता है ना कर लो। तो अब वो किधर जाना है जी, मैंने कहा किधर जाना है वो फातिमा। अच्छा चलो ठीक है भाई, जाना बच्चों की सिलवाने वास्ते। अच्छा वो रुकी असिस्टेंट ने अपनी बेटी की वर्दी सिलवानी है ना, क्योंकि माशाल्लाह मदरसे में दाखिला लिया हुआ ना बच्चे ने, तो वो कहते हैं भाई ना यूनिफॉर्म ज़रूरी होना चाहिए बच्ची हो के ना। चलो ठीक है शौकत भाई आप ये कर लो जी। फिर अपना फिर चलते हैं। यहाँ पे भी हमारे विलेज में अमन लग चुकी है, कल वहाँ पर अमन लग रहे थे, सही कर रहे हैं जो आलू साड़ पर गिरे हुए थे ना वो अभी लाइन लगे वो आलू साड़ को निकलेंगे। इधर भी आलू चारों तरफ ही आलू आलू, जहाँ भी आपकी निगाह जाएगी उधर आलू ही आलू लगे। मोहम्मद इनाम और मनीत बेटा मेरे साथ है, पत्थरें भी माशाल्लाह से हमने जाना है इस साइड। हाँ 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 ये मैंने साइड पर कर लिया है। बेटा घर हम आ गए हैं,
हाँ जी हाँ जी निकाल के जो है ना चट्टा लगा देंगे। सही है वाला रोड़ी वाला है, ये रोड़ी भी बहुत बारीक करके कूट रहे ज्यादा ही। अच्छा हाँ जी काफी बारीक कूट रहे हैं, थोड़ी मोटी कूटनी चाहिए ना, ज्यादा बारीक है, थोड़ी मोटी कूटे हैं। मिस्त्री साहब पूछ लेते ना भाई कितनी मोटी रोड़ी कूटनी है। सही है बड़े छोटे सारे मिस्त्री बने। हाँ जी हाँ जी पीसा जाएगा क्योंकि रेड़ी अंदर लेके आ रहे थे, जो गदा था ना वो बेचारे नीचे ही बैठ गया, उसे बस चोट तो नहीं लगी थे बेचारे को, बच बचा हो गया, चलो शुक्र है। बस असल में ना वो आगे वो रेड़ी थी ना ऊपर से नहीं बेचारा वो चढ़ सका, वो यही नहीं बेचारा। रेड़ी बच गई है, रेड़ी टूटी तो नहीं कुछ चीज, थोड़ा सा ना मोटा, ना मोटा होना चाहिए, थोड़ा ही बस मोटा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल बारीक ना, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ताकि ये जो मर्जी कुटाइए जमी आंदा, ये तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा, चूरा हो जाएगा बिल्कुल। ये दुर्मत मोटा जो है दुर्मत जी कुटाइए नहीं आंदा, ये ना ये जड़ जमी आंदा तकरीबन ना ये पीस वैसी, ये सारा बीच वैसी है। चलो अल्लाह खैर कह रहा, जिस तरह भी पूछ लेते हैं। गाय भी बेचारी धूप में खड़ी हुई, भाजी गाय गर्मी तो नहीं लग रही। अच्छा सही, बहुत ज्यादा नुकसान है, बिल्ली खा गई है, कितनी मुर्गियाँ अच्छा। ये क्या गंदम आपने सही करा, आपने गंदम ना ये बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, धूप लगा लिया ना खराब निकली है, खराब हो गई थी, नहीं गंदम हमारी भी खराब निकली है, वो खुल गया था बस हमारी ना, जैसी आपकी खराब हुई ना वैसी हमारी खराब हुई है, पानी उड़ गया था। हाँ सही है, बस वो पानी छानी अगर थोड़ा सा भी डल जाना तो गंदम सारी फिर खराब हो जाती है। भाई सदीक और भी चले गए हैं, रोक रहे थे भाई रुक जाओ, चाय 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 सही है। भाई सदीक और क्या सिस्टर वो जा रहे हैं जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, आराम से ख्याल से जाना, सारे जा रहे हैं जी घर ना बिल्कुल ना बस खाली कर रहे हैं। चलो जी चलते हैं चल रहे हैं चलते हैं चलते हैं। अम्मी जान कमीज ऊपर से पीछे उठाए, टच मोबाइल रह गया, टच मोबाइल है। जैसे भाई फातिमा के घर से मैं आ गई हूँ, काफ़ी देर हो गई है, और आते के साथ ही मैंने भिंडे भी साथ ही मैंने मंगा ली थी, मेरी बेटा को मैंने कहा था, मैंने कहा भिंडे भी साथ ही ले लो और अपना फिर ना टाइम से अपना खाना वगैरह बना लूँगी, फिर देर हो जाती है हमेशा के हमेशा, जिस तरह रोज़ ही तीन चार दिन हो गए ना बड़ी लेट हो जाती है, तो भिंडियाँ खुशक हो चुकी हैं, अभी से छाबी में डाल देती हूँ, हरी मिर्चें भी हैं, टमाटर भी लेके आई हूँ। चलो जी अब चलते हैं रुकिया सिस्टर के पास, वहीं बैठ के काटती हूँ और देखती हूँ रुकिया मैडम क्या कर रही है। सिस्टर ने भी चूल्हे में आग जला ली है और आटा भी साथ ही गूंद के रख दिया है। आज क्या बनाया जा रहा है खाने में? आज जान के पापा कहते हैं वो बेसन पड़ा हुआ है। अच्छा फुलकियों का सालन बना लो। फुलकियों का सालन सही है, मम्मी जान ने भी घर जाना है ना, आज मम्मी जान जा रहे हो? टाइम से बना रही हूं। अच्छा दो दिन तो हो गए हैं। हाँ जी दो दिन तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, जब कम्मी का दिल करा जब अम्मी रह ली हैं, जब अब अम्मी का हाँ जी सही बात है, बस ऑपरेशन कराना था, बस वो फिर पत्नी का तो फिर वो डॉक्टर ने कहा कि आप दवाई खाओ। हाँ जी हाँ जी तो बहुत काम है ज़्यादा नहीं, दवाइयाँ वगैरह लिख कर दिए कल, फिर अम्मी जान को मैंने कहा अगर आप जाना तो आपको छोड़ आते हैं, सही खाना वगैरह वाले तो ना काम सही। और अम्मी जान दाना सही हुआ आपका? नहीं सही है, वो जो आपने मैं गोली खाई उससे आराम नहीं आया? छोटा सा नहीं है, हो जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता ही शाम तक। हाँ जी दर्द करता है बहुत ज़्यादा, अल्लाह अल्लाह करे आ जाएगा आराम, दे दो मामा को लकड़ियाँ। मंगवाओ 30-40 रुपए का आएगा दूध मंगवाना।
सिस्टर ने हट वगैरह भी गूंद लिया और आटे का नी मर चुकी है। अब उसके बाद ये आग भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जल चुकी थी। अब ये फटाफट रोटियाँ बनाने लग रही है। अम्मी जान कहती हूँ फटाफट खाना वगैरह बना दूँ ताकि अम्मी जान खाना वगैरह खा के घर अपने फिर चली जाएगी। और सामने की तरफ देख सकते हैं ये है हमारे घर की पिछली वाली साइड पर ये कान हैं, इसे काटते हैं दोबारा फेर हो जाते हैं दोबारा। अब देखो कैसे माशाल्लाह ना खिलते बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लगे जैसे वो ना मोर के पर नहीं होते है ना रुकिया सिस्टर, ये ऐसे लगते ना जैसे मोर के पर हो है ना, लगते हैं ना ऐसे अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। पिछले साल में निकले थे, हाँ जी पिछले साल में निकले थे, जो इसके काने बने थे वो फिर हमने ना इस वाले गुड्डे पे हमने लगा दिए थे। अब देखो ये शौकत भाई कहते हैं काट के ना अभी ये वाला छप्पर जो है ना ये सेटिंग करूँगा मैं इधर। सही इधर शौकत भाई ने अपना कबाड़ वगैरह भी इकट्ठा कर लिया, तो अब जा रहे हैं जी कबाड़ वगैरह लेके बेचने के लिए जा रहे हैं, जुतियाँ वगैरह भी इकट्ठे करते फिर हैं। हो गया भाई कबाड़ सारा इकट्ठा, चलो जी सर्फ का पैकेट ले आना, ऑर्डर आ गया सर्फ का पैकेट लादमी लेके आना। शौकत भाई जा रहे हैं जी कबाड़ लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे मैंने भिंडियाँ भी सारी डंडियाँ वगैरह इसकी भिंडियाँ की मैंने काट ली हैं, और उसके बाद जैसे ही भिंडियाँ कट जाती हैं उसके बाद मैंने प्याज काटने हैं, हरी मिर्चा काटनी है और टमाटर काटने हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाना है। तो बस मेरा तकरीबन ना आधा काम हो गया, बस थोड़ा सा काम अभी और रह रहा है। ये देखो काफ़ी तो उसमें ना काफ़ी पक्की और ना ख़राब भिंडियाँ निकली हैं, कीड़े वाली भिंडियाँ निकली हैं। 150 रुपये 120 रुपये किलो भिंडी लेके आई मैं, आलू भी पता करें मैंने और भी सब्जी काफ़ी ये निकलना अभी महंगी है सब्जियाँ। और बस ना सब्ज़ी कहती है हाथ ना लगा, हाथ लगा के वापसी चले गए, इतनी महंगी सब्ज़ी हो रही है। और अगर कोई सिस्टर जी तो जैसे ये रोटियाँ वगैरह बना लेती हैं उसके बाद फिर उन्होंने सालन बनाना है, फुल्कियों का सालन बनाना है, तो वही फिर बनाती हैं। मैं इतने बस मेरा भी तकरीबन काम हो चुका है, बस थोड़े से बर्तन रहने बजा के धोती हूँ उसके बाद फिर चूल्हे में आ जाती हूँ अपना शाम की रेसिपी की तैयारी करती हूँ। तो सर्फ लेके आए, बहुत अच्छा सर्फ है कमांडो, मैं भी यही मंगाती हूँ। और कोई सिस्टर पहले बैठी थी चूल्हे पे तो कहती है मैं ये मेरा ना पेन होने लग रही है तो उठ के साइड पे हो गई हैं, तो शौकत भाई के जिम्मे लगा दी भी आपने ये पकोड़े वगैरह निकालने हैं, ऐसी है ना ये पान। हाँ जी चलो मेहरबानी आपकी, अपने रोटी बना दी है। अम्मी जान भी यहाँ पर बैठी हुई है आराम से, गिलास ला दो मम्मा को, अच्छा सा धो के ला के दो, माशाल्लाह गिलास तो ये दो किलो आके दो मम्मा को गिला माशाल्लाह, जाओ आके दो मम्मा को अच्छे से साबुन मार के अच्छी तरह पानी भी ले आना, चलो अम्मी जाने पानी पिलेगी मैं ही पी लूँगी। इना मोहम्मद रोन लग रहा है, देखती हूँ वो अल्लाह जी माशाल्लाह नज़र ना लग गया मैं ये मेरी बहन को, किधर जा रहे हो? हाँ हाँ आए मैंने आपको आवाज़ लगा रही थी, मैंने कहा आप मेरा ज़रा ब्लॉग बना लो। ये क्या चश्मे की आँखें कहाँ गई हैं? है ही नहीं, ओ, इसकी शीशे नहीं है बेचारे के ये भी सही, चलो ठीक है आप आए। वैसे यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से घी गरम हो चुका है, उधर आप ही ने प्याज काट लिए और यहाँ प्याज देखो कैसे रेड रेड है जी, ये कड़वा प्याज है ना। हाँ जी उस साइड पर भिंडी जो है वो भी काटी हुई है माशाल्लाह से, और बिलाल के पापा और अम्मी जान भी आई हैं देखने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर। बहुत तेज हो रही है ना, ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, तो बड़ी अच्छी जी जी माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, नज़र ना लगे माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे ही सबको हंसते मुस्कुराते रखे। हाँ जी आमीन सुम आमीन माशाल्लाह से। यहाँ पे जानवर भी बांध दिए, एक बच्चा इधर खड़ा हुआ, ये बिल्कुल टिड्डू का टिड्डू ही है, ये तो कुछ सही है माशाल्लाह। गाय अंजीर जो हैं ये अभी जो है वैसे के वैसे खड़े हुए हैं, सर्दियों में जो है ये सूख जाते हैं बिल्कुल ही, और माशाल्लाह से मौसम बहुत ज़बरदस्त है, सूरज जो है बिल्कुल ग्रुप होने पे आ रहा है हल्का हल्का, असर की नमाज का टाइम भी है थोड़ा सा, खाना वगैरह तो मैंने टाइम से बना लिया, रोटी पहले बना ली थी सही। तो अब जो है खाना खाते का थोड़ा सा नमाज पढ़ लेते हैं, या पहले नमाज पता नहीं बिलाल के पापा ने की थी, आप भी किसका है ना, क्या कर रहे हो इधर देखो बहू है, ऐसे करते हैं सेम शोम हो रही है आपकी, ऐसे पजामे पहना करो। अच्छा अभी वो इनाम ने ना पीछे कर दी थी ना, तो मैंने इसके पजामे उतार के वो बस बच्चा है बच्चा खेलता है। ये क्या चीज़ है आपकी गाड़ी है ये? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बस हमारे बच्चों का यही ये तीन है। हाँ जी गाड़ी है, क्या चीज़ है ये?
वाह जी वाह माशाल्लाह भी माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा बच्चा आराम से अपना खेलता रहती है मामा तो तंग नहीं करता। हाँ जी इंशाल्लाह ये छोटा अल्लाह पाक आपको बड़ा भी देगा ठीक है। इस पर गाड़ी चलाना आराम से। और यहाँ पे आप जो है टमाटर काट रही हैं, प्याज पहले ही काट लिए थे और वहाँ पे भिंडी डाल दी है और भिंडी को जो है हल्का हल्का फ्राई कर रही हैं। हाँ जी तो ना ये फ्राई इसलिए करते हैं कि ताकि जो है ना ये इसका लेस पन खत्म हो जाए। हाँ जी इसलिए फ्राई करते हैं उसको। थोड़ी सी ना चटपटी बनती है फिर फ्राई हो गया ना। जी 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 हाँ जी हाँ जी। इधर इनाम शोर कर रहा है, कह रहा मैं भी यहाँ खेल रहा हूँ है ना इनाम गंदा बच्चा। कैम शैम हो रही है आपकी? तो मुझे आ रही है जैसे कह रही खाला आप इधर ही रहते। मैंने कहा नहीं बेटा मैं जाती हूँ, मैंने घर जाकर काम भी करना है अभी। जी जी जानवरों का चारा वगैरह भी डालना है, आपको पसंद है कैसे बोलना है। हाँ जी यहाँ पे ऐसा करो ना ये जहाँ से ये खुडा वगैरह आपने ख़त्म कर दिया है ना इधर भी ईंटें बिछा लो। हाँ क्योंकि आपको पता है जैसे आगे आगे मौसम आ रहा है ना तो सर्दी का फिर बारिश होंगी, बारिशों के बाद फिर पानी वगैरह छतें वगैरह सारी जो टिप टिप करती हैं तो इसे तंग होते हैं। चलें ठीक है काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, आगे जो रूटीन है कि प्यारे महल बैठ कर शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लाल मिर्च मैंने डाल दी है और ये हल्दी पाउडर है और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर है। चलो तो ये अच्छी तरह से चलो करती हूँ नमक मैंने तल के डाल दिया है। चलो अभी चना मैं ना दम पे लगा देती हूँ और आटा वगैरह मैं गोल देती हूँ। माशाल्लाह जी रुकिया सिस्टर जी मिट्टी के जो बर्तन हैं छोटे छोटे जो थाली हैं इसमें ना यानी कि अभी चूर सही है रोटी चूर के सब बनाई है रोटी वो बनाई है क्या कहते हैं फुल्कियों का सालन बनाया ना जी तो अम्मी जान का भी दिल कर रहा था बिलाल के पापा को भी नहीं चूर के दे दिया भी नहीं खाई ना तो फिर मैंने कहा चलो चूर के दे देती हूं। सही है असल मैंने पता क्या जब शोरे वाली चीज़ बनी होती है ना फिर दिल करता है बंदा चूर के खाए रोटी ऐसी है ना नरम हो जाती है और जिसके दांत नहीं होते वो तो मजे से खा सकते हैं ऐसी है ना। मुर्गे को भी थोड़ा सा कुछ डाल दो बेचारे को आपने तो माशाल्लाह टाइम से खाना वगैरह खा लिया सही अच्छी बात है ना मतलब टाइम से पता है ना फिर वाकई ने लेके जाना आता ना फिर। हाँ जी अब शौकत भाई को ना खाना वगैरह खा के ना लेके जाओ। हाँ जी अभी लेके जाना सही बात है। हाँ जी डंडा ले लेना चलो आगे आगे ऐसे नहीं जाएंगे। अभी मुनीब के पापा भी अभी तक नहीं आया मैं देख रही हूँ सालन मेरा भी तैयार हो चुका है बस आटा ही करेंगे ऐसे मजे थी मैंने फटाफट ना रोटी बना लेनी है। और बिल्कुल ही शाम हो गई है और सूरज ग्रुप हो चुका है जैसे तो हल्के हल्के से ना बादल आ रहे हैं। जी जी अच्छा लगे प्यारे बहन भाई ने खाना खाना है शाम का आए वेलकम वेलकम बिस्मिल्लाह जी। और रुकिया मैडम आप ना व्लॉग का कर दो बस। जी ये थी आज की ज़बरदस्त वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर के साथ मिलते हैं अल्लाह हाफिज़ अम्मी जान अल्लाह हाफिज़ शौकत भाई अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।